काम हो गया मेरा सारा खत्म। तो ये रही मिर्ची मेरी जो मैंने मिर्ची ली हुई थी, इसको मैंने चक्कू की मदद से पीछे वाला हिस्सा जितना भी डंडी वाला हिस्सा था वो सारा मैंने निकाल दिया। और इसके अंदर के देखे, इसके अंदर के मैंने सारे बीज ऐसे झाड़ दिए, चक्कू का डंडी मार के ऐसे झाड़ दोगे तो झड़ जाएगा। और जो पानी नहीं होने से मैंने पूरा अच्छे से सुखा लिया इसका पानी। और इसका मसाला तैयार करने के लिए मैंने ये रहा सारे इंग्रीडियंट है ये सारे, ये मैंने छोटी वाली राई होती है वो ली है, थोड़ी सी मेथी दाना लिया है, अजवाइन दी है मैंने थोड़ा सा हाजमे के लिए अच्छा होता है अजवाइन, और ये रहा थोड़ा जीरा, साबुत धनिया, थोड़ी सी मैं कलौंजी डालूंगी हल्की सी स्वाद के लिए, और ये मैंने सौंफ लिया है मैंने सौंफ। अब इसको मैंने एक हल्के से आंच पे ना तो थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि इसकी स्मेल हट जाए। उसके लिए मैंने तवा, मैं तवे पे करूंगी, और आप चाहे तो कढ़ाई में भी कर सकते हैं, फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। गैस कर लेते हैं ऑन और बस अब इसको फटाफट इसे हल्का सा ही भूनेंगे और भूनकर इसे मिक्सी में पीस लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि इसे हमें ड्राई रखना है, गीला करना नहीं है, पेस्ट की तरह नहीं बनाना है। जैसे मैंने अचार डालने की सोची वैसे मौसम चेंज हो गया, सुना मैंने बस 26 जनवरी को बारिश आएगी यार, बस तो थोड़ा धूप लगाना जरूरी है, पर देखूंगी अगर निकल जाएगी तो रख दूंगी तैयार करने के बाद। मिर्ची मैं ज्यादा लेके नहीं आई थी, बस एक पाव मिर्ची लेके आई थी, तो इसे बस इतना उड़ा ही डालूंगी। अचार तो हमारे घर में ऐसा सिस्टम होता ना, कितना डालो साथ साथ ही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले डालूंगी मेथी दाना तवे पे, मेथी थोड़ी सी हार्ड सी होती है तो उसको हल्का सा ज्यादा करेंगे फ्राई। मेथी और कलौंजी साथ साथ डाल देती हूँ। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर कलौंजी ज्यादा भुन जाएगी तो कड़वापन आ जाएगा, तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि कलौंजी को ज्यादा फ्राई ना होने दे उसको। गैस को कम कर दूंगी क्योंकि ज्यादा तेज अगर करा तो हो जाएगी तेज। अब मैं डालूंगी पहले इसमें, पहले मैंने मेथी डाल दी तवे पे, अब मैं डाल रही हूँ धनिया, साबुत धनिया जो है इसमें साथ साथ डुलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा कहीं से ज्यादा ना चल जाए। हल्का हल्का फ्राई हो चुके मेथी और धनिया दोनों, अब मैं सारा मसाला एक साथ डाल देती हूँ। हल्की सी तेज कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास छोटी वाली राई सरसों नहीं मिलती है तो आप बड़ी वाली भी सरसों डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास वो थी नहीं तो ये भी डाल दूंगी क्योंकि ये यूज में भी नहीं आ रही थी। मसाला हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है, ये देखिए इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी तब मिक्सी में डालूंगी। चलिए फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं, दो मिनट रुक के पीसूंगी, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। अच्छा जैसे खुशबू आने लगी इसमें से, इसे अच्छे से मिला लूंगी। थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई है, मेरी ना मिक्सी खराब हो गई थी तो मैं ना मम्मी की मिक्सी में पीसने चली गई तो मसाला हो गया ज्यादा भारी, तो कोई इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, दर्दर रहता है तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है उससे। मैं दोबारा भी पीसने गई थी, मैं दोबारा भी वैसे ही पीस गया, तो अब मैं इसमें लूंगी ये सरसों का तेल थोड़ा सा डालूंगी इसे मिलाने के लिए। मुझे भूख भी लग गई है बहुत तेज, उसके लिए मैंने अपना खाना तैयार करके रखा हुआ है, लस्सी में रोटी डाल दी है थोड़ा, बस इस काम को निपटा कर फटाफट उसे खाऊंगी मैं। मन कर रहा था बचपन की तरह खाने के लिए कि चलो ठीक है वैसे लस्सी और रोटी मिक्स करके खा लूँ, तो मैंने लस्सी मम्मी के यहाँ से ले आई हूँ आधी ग्लास, मेरे भाई ने लेके रखी हुई थी वहाँ से लाकर, और मैं खाऊंगी। वो हो मैडम खानी है जैम के साथ रोटी, हमारे घर में यहाँ कुछ अलग हो रहा है क्योंकि सब्जी रोटी दाल सब कुछ है, पर मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का हमारा, गैस को मिलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मन कर रहा हाथ से मिला दूँ, है ना जी, और आपकी मर्जी क्या है। मैंने नमक थोड़ा तेज ही रखा है मसाले में, ना खट्टा हो जाता है चलना सही रहेगा ना। बस तेल थोड़ा ही डाला हीरा, ज्यादा सूखा सूखा नहीं है, हो गया एकदम दरदरा टाइप। और जो मैंने इसका पीछे से मजे से मैंने सारे वो डंठल की साइड से हमने जो वो निकाला था इसके बीज वगैरह, वहीं से इसको चम्मच की मदद से सारी भर देंगे। मैंने अच्छे से मिला लेती हूँ, सूखा सूखा नहीं रहना चाहिए, हो गया है हीरा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, चम्मच की जो पीछे वाला हिस्सा डंडी है इससे अंदर कर दूंगी ऐसे और ऐसे भर दूंगी। चलिए फिर हम फटाफट सारी ऐसे ऐसे भर लेते हैं, थोड़ा सा लगा देते हैं। ये देखिए मैंने ऐसे भर लिए, और अब सारी फटाफट ऐसे भर लेती हूँ मैं, पहले अंदर की भूख लग रही पहले खा लूं, बनने में टाइम लगेगा, बीच में रोक देते हैं काम, पहले मैं सब्जी खा लेती हूँ, मुझे लग रही है भूख बहुत तेज। ये मेरी लस्सी
लस्सी और रोटी और नमक मैंने मिक्स करके रख दिया, मैं फटाफट खा लूँ पहले, उसके बाद करती हूँ काम, बीच में रोक देते हैं, खा लूँ मैं खाऊंगा। तो ये देखें मैंने सारी मिर्चियाँ लिया भर ऐसे ये री, और ये दो मिर्ची कट जब इसको मैं निकाल रही थी तो दो मिर्ची ऐसे टुकड़ा हो चुका है, तो मैं ऐसे ही रख दूंगी ऊपर थोड़ा सा, जब लास्ट में रखूंगी इसको। ये देखिए बचा हुआ जो मसाला है मैं ये भी इसमें ही डाल दूंगी। तो ये मैंने ऐसा डब्बा लिया है एक ऐसा, मेरे पास ये वाला अवेलेबल है तो मैं इसमें ही डालूंगी। अगर आपके पास वो जो होती है बरनी तो उसमें अगर चाहो तो उसमें रख लो, ज़्यादा दिन तक अचार चलता है, तो अभी मैं इसमें सारे एक एक करके रख लूँगी। ये देखिए फटाफट सेट कर लेती हूँ सारी, ये देखिए मैंने सारे डब्बे में ऐसे सेट कर लिए, जिसका ऊपर वाला हिस्सा था तो मैंने इसको बाहर को ही रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, और मेरे पास ये वाला डब्बा है तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा हवा पास होने के लिए छेद कर दिया, नहीं तो ये बेकार हो जाती। तो मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी सारे में, और आज तो धूप निकली नहीं है, कल भी शायद निकलेगी नहीं निकलेगी पता नहीं, अभी जब धूप निकलेगी तो उसको एक दो दिन धूप में रखना होगा मैं अच्छे से, फिर ये हो जाएगा कम्प्लीट, फिर हम सारे खाएंगे इसको। अचार हो गया हमारा कंप्लीट, हम रख देते हैं इसको डब्बा, चलो बस बस हो गया, बाय।